अब मैं पहले इसको दबा देता हूँ, ये देखिए, ये डायरेक्ट 250.250 एम्पियर ले रहा है, जबकि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बूटिंग का जो सिक्वेंस होता है, ये देखिए लगा हुआ है, जो बूटिंग का सिक्वेंस होता है वो कितना होता है वो एक्चुअल। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवर्त अग्रवाल है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थर्मल कैमरे का जो फुटेज है, जो यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली थर्मल कैमरे को यूज़ किया जाता है और थर्मल कैमरे का क्या फ़ायदा होता है अगर हम उसको परचेस करें तो। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, थर्मल कैमरे के बारे में अब तक आपको जानकारी नहीं है, तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और ये है एसर टेलीकॉम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम एंड्रॉयड की, खास तौर पे EMMC की अलग से ट्रेनिंग देते हैं और जहाँ पे फ्रेशर बच्चे आते हैं, जहाँ हमारा 1 महीने का एक क्लासेस चलता है, जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा 1 महीने का कोर्स होता है, उसके अलावा हम 10 दिन की EMMC की ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ खास अपडेट कि हम लोग बहुत जल्द आईफोन ट्रेनिंग की क्लासेस चालू करने वाले हैं। जी हाँ, एसर टेलीकॉम बहुत जल्द आईफोन ट्रेनिंग की क्लासेस चालू करने वाला है, जिसमें चाइनीज पद्धति हम यूज़ करेंगे और ये क्लासेस आपको 15 दिन की क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम आपको पूरा CPU निकालना लगाना, उसको स्कीमेटिक कैसे रीड करना है, क्या फॉल्ट फाइंडिंग है, ये सारी चीज़ बताएंगे विदाउट थर्मल कैमरा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ थर्मल कैमरा दिखा दिया तो उससे बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप ना खरीदें। दोस्तों हम यहाँ एडवांस लैब बना रहे हैं और एडवांस लैब में हम वो सारी चीज़ रखेंगे जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं रख पाते हैं अपने पास में। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से, मैं आईफोन में आपको DSO और CRO की पद्धति से भी किस तरह से सिग्नल्स की पहचान से हम वोल्टेज को, सही वोल्टेज को पहचाने, मैं आपको बताऊंगा। तो आईफोन एसर टेलीकॉम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों ये इंटरफेस है हमारे थर्मल कैमरे का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का ऐप होता है इसका, आपको इसको डाउनलोड करना है तो सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर आपको इसका नाम लिख दे रहा है काइंडली, और थर्मल कैमरा तो आपको इसका सेटअप मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके वीडियो के नीचे इसका सेटअप दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो, और ये सेटअप मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। ये सेटअप मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और बहुत आसान भी है डाउनलोड करना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे आपको कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखिए, ये एक्चुअली जो कैमरे का बटन दिया हुआ है थर्मल इमेजेस के लिए है। जैसे हम इसको दबाऊंगा तो नॉर्मल इमेजेस आ जाएगी, जिसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक 7+ की PCB रखी हुई है, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ, इसमें बेसिकली सॉर्टिंग ही है और मैं इसको प्रैक्टिकल बताने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर ZX W डोंगल जो है हम ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ही होता है वो अब, और जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है आप जैसे ये जो देख रहे हैं एरिया, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मतलब ये इसके एक तरह से अलाइनमेंट सेट करता है। ये अगर मैंने इसको कैमरे का अलाइनमेंट ऑटो फोकस, जैसे मुझे इसको नीचे लेना है या ऊपर लेना है या साइड, या मुझे साइड करना है, जैसे कि आप देख, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी अभी केबल नहीं लगी हुई है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ DC मशीन से कि इसमें क्या शॉर्टिंग आ रही है। देखिएगा यहाँ पर हम इसकी 7P केबल को निकाल लेते हैं, ये 7P है, 7+। सबसे पहले मैं इसको इसमें लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक हाथ में कैमरे में पकड़ा हूँ इसलिए, नहीं तो बहुत अच्छे से आपको इसको और दिखा देता। सो आई होप कि इसके लिए आप मुझे एक लाइक ज़रूर और देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा यहाँ से ऑन है और कोई भी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। मतलब जो प्राइमरी बात करूँ, अभी मेरे को प्राइमरी कोई VCC लाइन पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और जो मेरा BBAT की लाइन है उधर कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे मुझे नहीं है। अब जस्ट जैसे ही मैं इसको बटन दबाऊँगा, आप देखिएगा, अब मैं पहले इसको दबा देता हूँ, ये देखिए, ये डायरेक्ट 250.250 एम्पियर ले रहा है, जबकि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बूटिंग का जो सिक्वेंस होता है, ये देखिए लगा हुआ है, जो बूटिंग का सिक्वेंस होता है वो कितना होता है वो एक्चुअल मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लास आएंगे और ज्वाइन करेंगे, पर ये जो बूटिंग का सिक्वेंस है ये अब नॉर्मल है और यही हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रही है जो वो डिटेक्ट कर रहा है। ये लीकेज की वजह से ही है दोस्तों, जो ये डायरेक्ट इतना एम्पियर ले रहा है, और ये डायरेक्ट ऑन करने पर एम्पियर ले रहा है, जबकि ये एम्पियर नहीं लेना चाहिए इतना। तो चलिए ये एम पे हम डायरेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं यहाँ पर।
और इसको हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए कैमरे के नीचे रख दिया, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अब मैं इसको ऑन करूँगा, तो देखिए मैंने ऑन कर दिया है 256, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शॉटिंग। सो यहाँ पर चलिए ये अभी ऑटो में दोस्तों, तो मैं ऑटो हटा देता हूँ। और अगर मुझे एरिया कम करना है तो देखिए इसको मैं छोटा करूँगा और अभी टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो देखिए तो यहाँ पर हमें बता रहा है सीपीयू हीट हो रहा है यहाँ पर। सो हम एक काम करेंगे, आप पीछे हमें थोड़ा एरिया बढ़ा देते हैं। देखिए एरिया अगर इसको छोटा किया तो एरिया छोटा हो गया, इसको बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया बेसिकली। और ये टेम्परेचर जैसे कि बता रहा है, जैसे सीपीयू पर भी कितना टेम्परेचर मिल रहा है। सो सीपीयू पर उसको 38 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से बंद करेंगे। देखिए मैंने बंद कर दिया है यहाँ से। अब जैसे ही देख रहे होंगे टेम्परेचर गिरता जा रहा है और ये टेम्परेचर फिर बहुत लो हो जाएगा। अब मैं इसको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पावर यहाँ पे पावर आईसी के साइड से इसको मैंने दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी आप जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर आप देख रहे होंगे कि कितना टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि लगातार गिर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैं वापस इसका पावर की दबाता हूँ, पहले तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा और यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये अभी ऑटो मोड में करता हूँ मैं इसको, देखेगा ऑटो मोड में किया हुआ है। अब मैं इसको बटन दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पर वापस ये 250 एम्पियर ले लिया है और यहाँ पर टेम्परेचर आप देख रहे होंगे राइस हो रहा है। अब मैं इसको मैनुअल मोड पर करूँगा और एरिया को छोटा करूँगा तो आप देखिएगा ये देखिए तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे आप देखिएगा, इस कंपोनेंट की वजह से इस फ़ोन में इस तरह का फॉल्ट आता। तो ऐसे ये एक नतीजे पे हम जा सकते हैं और अब हम इस कंपोनेंट पे काम कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से काम करना, जैसे कि आप देख रहे होंगे। आई होप कि आप इसको देख कर समझे होंगे। यहाँ पर ये जो दो चीज़ दिख रही है आपको, ये ऑप्शंस अगर मैं इसको टिक करूँगा तो ये कैमरा ऑप्शन भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट लगा है वो हीट हो रहा है, जब मैं इसको वापस करूँगा तो ये इस तरह के ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ मैं कस्टमर को दिखाने के लिए कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, मैं इसकी फ़ोटो ले सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पर हम जाएँगे और सेव कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास फ़ोटो आ जाएगी और ये फ़ोटो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखिए आपको आपके मोबाइल में इस तरह की फॉल्ट है, इस ये आईसी शॉर्ट हो रही है, ये कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है, जिसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस कैमरे का रिव्यू। और ये कैमरा वर्जन 2 है, मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल नया कैमरा है। अभी इसका मैंने अनबॉक्सिंग का भी एक वीडियो बनाया है, आपने हो सकता है मैंने डाल दिया हो या नहीं डाला हो तो डाल दूंगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो हाय दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया देखने को आपको मिला है और एक नई जानकारी आपको मिली है। अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से, जो हम बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, जो एक लैंग्वेज होती है, एक हो गई चाइनीज़ लैंग्वेज जिसको समझने में दिक्कत होती है, जिसको समझाने के लिए एक अलग से आदमी खड़ा करना पड़ता है, और एक होती है नॉर्मल भाषा में लैंग्वेज जो देसी एक आदमी सिखा सकता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करके एक बार देखिएगा, एप्पल, जिसमें मैं आपको बिल्कुल एक दिन का एक डेमो क्लासेस दूंगा। जो भी आना चाहे डेमो क्लासेस लीजिए, कोई फीस नहीं, कोई रहने का चार्ज नहीं, सिर्फ आपके खाने का एक दिन का चार्ज रहेगा। उसके बाद अगर एक दिन में अगर आपने इतना सब कुछ सिखा दिया अगर मैंने, तो उसके बाद ही अगले दिन आप रुकना, अदरवाइज बिल्कुल मत रुकना। सो अगर आईफोन ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत जल्द मैं अनाउंस करने वाला हूँ अपना बैच और एक अच्छा वीडियो मैं देने वाला हूँ, जिसमें मैं अभी आपको आईफोन के रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। तो क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं, यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे?
सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा, अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे बस काम में, हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने की जरूरत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद क्योंकि मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाके सीखने की अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना इसी पे आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना था, आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर वन बन जाएगा, आप इसके बाद यहाँ पे जाना है, आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर वन बन जाएगा। दिल से बोल रहे हैं आपके, मैं जबरदस्त बोल रहा हूँ, मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ, दिल अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पर आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए, 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है, अच्छा हाथ नीचे कीजिए, आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए, अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को, एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए, अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए, मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 3 बार किया, 2 बार, 2 बार, 7 बार, अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 6 बार किया आपने, 6 बार किया, 4 बार किया, वेरी गुड, 2 बार, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है, सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उसमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ, सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना, 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने, 3 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार, क्या बात कर रहे हो, इतना 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है, कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है हाथ नीचे के लिए, किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए, तो यहाँ पर सबने चालू किया है, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया, किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए नंबर बोलिए, 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया, मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार, यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के, अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने, तो हम बात करते हैं हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज, तो मैं बात करता हूं, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे।
मिरर डेकी यस सर कॉलकम यस सर एमआई यस सर सैमसंग यस सर एसपीडी यस सर ठीक है वेरी गुड अब दो टूल होते हैं आई ट्यून होता है और थ्री यू टूल होता है आई ट्यून और थ्री यू आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे नहीं सर मैं फ्रेशर हूं सब अब भाई ये बताइए आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग बहुत इजी लगा सर अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है सर मतलब सही चूज किया कि सही चूज किया मैं कह रहा हूं सही चूज किया बस चलिए अब जो ट्रिक दी जाती है वो मतलब जैसे नहीं कहते किसी को पिला दिया जाए उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाता है जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उस पर पड़ा रहेगा उसको उतरने वाला नहीं है ना ये डिलीट होगा यहाँ से अब दिल से बोल रहे हैं क्या सर मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ मतलब झूठ नहीं बोलते फेक आईडी नहीं सही बात है झूठ नहीं बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं और हमारे डाउट कर जाते हैं जितने डाउट है सब सब क्लियर हो गए चलिए किसी और को देने की जरूरत है क्या नहीं सर नहीं बिल्कुल कॉप भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो सीपीयू पे काम कर सकते हो सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं पेस्टेड वाला भी जी सर बिल्कुल अभी भी है मेरे पास अभी ये बोर्ड है सर अच्छा ये वाला बोर्ड है क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए एमसी निकला ये वाला एमसी ये पेस्टेड है हाँ सर पेस्टेड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने और अभी सर बताइए आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना कब से काम है आपको कितना एक्सपीरियंस है आपका 5 साल से आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर एज अ टेक्नीशियन मुझे जहाँ मैं फंसता था मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद मुझे ऐसा लगे मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया मतलब आपने दोस्तों मैं बता दूं इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ सर जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया मार्च में मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया इनको अप्रैल में मिला हुआ है और तो आपने एसी टेलीकॉम को चुना यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर ही बता सकते हैं तो बिल्कुल सर बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे क्या बोल बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा अच्छा आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से और सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एसी टेलीकॉम बोलते हैं अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं इन्होंने रिव्यू भी किए लोगों से अब वो ये बोलते हैं कि एसी टेलीकॉम बेस्ट है इसलिए आप यहाँ आए वहाँ से सेट में अटक जाता था अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था रिटर्न हो जाता था कस्टमर तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एसी टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में एक महीना पूरा पढ़े आपने पूरा पढ़ा सर उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग और कुछ कुछ सेट अटका जो इमेंसी से प्रॉब्लम था और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में जेटेक नहीं यूफाई नहीं है अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना हाँ सर तो मेरा यूफाई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था मेरे पास बॉक्स भी नहीं था आईएसपी और ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे बिल्कुल सर तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से अच्छा काम कर रहे हैं सर मेरा कॉन्फिडेंस हो गया 6 साल से कर रहा हूँ हाँ। लेकिन क्योंकि आप यूट्यूब से देख कर कितना सीख सकते हो सर यूट्यूब से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं अपडेट हो सकते हैं अपडेट हो सकते हैं कुछ चीजों का पता लग सकता है पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है तो ये चीज आप बताओ आज और पहले दिन में कितना अंतर है सर बहुत अंतर है सर अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एसी टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे आपने एसी टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है पहले क्या था सर इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है क्या होता है मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर निकाले और
ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा। अरे आपको आएगा नहीं? हाँ, पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? अभी लगा कि प्रॉपर में आप थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो। इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा दे रहे थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेक सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिबॉल करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज मैं देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब चलिए भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहने के लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको ठीक
काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो रेखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आई फोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.